सर के ऊपर खुला आसमान है इस वक्त और मैं एक ज़मीन की हरी सतह पे खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली का मौसम बहुत गर्म है और ये सब इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त दिल्ली की आबोहवा कुछ ज़्यादा ही गर्म है, चाहे पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे मौसम को लेके हो, या समाज में उतरते रिश्तों को लेके, बदलाव को लेके हो। जिस तरीके से भी हो, दिल्ली हमेशा इतना गर्म नहीं रहा है जितना आजकल दिखाई देता है, हमें महसूस होता है। अमूमन दिन की शुरुआत लोग दिल्ली हो या कोई छोटा सा कस्बा, वहाँ पर लोग अमूमन सुबह उठ के अखबार पढ़ के, खबरें पता करके, टीवी का रिमोट से टीवी ऑन करके न्यूज़ पढ़ के, या आजकल एक नया प्लेटफॉर्म आया है सोशल मीडिया, वहाँ पर पहुंचकर नोटिफिकेशंस, सारे न्यूज़ चैनल्स के ऐप्स के थ्रू जो नोटिफिकेशंस आते हैं, लाइव अपडेट्स होते हैं, उनको पढ़कर वो दिन भर की, रात भर की सारी हलचलों को अपने जहन में उतारते हैं, उस पर उन जो न्यूज़ चल रही होती है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन प्रतिक्रियाओं का रिएक्शन किस तरीके से होता है, क्या उन प्रतिक्रियाओं को हमारा समाज उस तरीके से ले पाता है जिस तरीके से लेना चाहिए, क्या भाषा का इस्तेमाल जो हम सोशल मीडिया पे या आजकल न्यूज़ जगत में, जो कि टीवी कहते हैं जिसे, चलचित्र जहाँ पे हम सुबह शाम देखते हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही देखी जाने वाली चीज़ हो गई है टीवी, वहाँ पे भाषा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इन सारी चीज़ों पे पहला पन्ना का ये पहला इंटरव्यू है आपके बीच में लेके आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरटेनमेंट हो, जर्नलिज्म हो, पॉलिटिक्स हो, उनमें लोग जो काम करते हैं उनसे बात करें, उनसे जानें आखिर वो क्या सोचते हैं, जो ज्वलित मुद्दे हैं इस वक्त देश में चल रहे हैं उनके बारे में। तो आज मेरे साथ जो पहला इंटरव्यू है, पहला पन्ना भी ख़ास होता है, पहला इंटरव्यू ख़ास होता है, पहला कदम ख़ास होता है, तो ये पहला इंटरव्यू है। और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में बात करने के लिए हैं सर्वप्रिया सांगवान। पहले मैं सर्वप्रिया सांगवान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जर्नलिस्ट हैं और NDTV में कार्यरत हैं, काम कर रही हैं ये। हर आजकल के दौर में सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं उससे आप इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्तित्व, वो आदमी, वो कितना प्रभावशील है। इस वक्त सर्वप्रिया सांगवान का जो मैंने फॉलो किया फेसबुक पे, लगभग 18,600 फॉलोअर्स के आसपास हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे। अपने लिखने की कला से आप जब इन्हें फॉलो करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन लिखती हैं। आपने काफ़ी बार इनको NDTV पे न्यूज़ शो एंकर करते हुए देखा होगा। बोलने की कला में इनकी महारत हासिल है, नई उभरती हुई जर्नलिस्ट हैं, तो सोचा है के नए दौर में नए पन्ने के साथ पहले पन्ने पर सर्वप्रिया सांगवान। नासिर, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए ठीक कर दूं कि ज़्यादा फॉलोअर्स होना सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल सही नहीं है कि उससे जो छवि है वो बहुत प्रभावी है या बहुत अच्छा लिखती है या अच्छा बोलते हैं। आजकल आज के दौर में हर कोई मतलब एक सेलिब्रिटी है, कि चाहे आप कितना तेजाबी, कितना घटिया भी लिख रहे हैं तभी भी आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं तब आपके फॉलोअर्स बहुत कम भी हो सकते हैं। तो फॉलोअर्स से किसी की अच्छा लिखना बोलना उसको नहीं नापना चाहिए, क्योंकि आज का दौर नहीं, कुछ अलग है। एक बड़ी अच्छी सी है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। फॉलोअर्स ज़्यादातर मैंने वही देखे हैं जो आपके शायद जो आप पक्ष लिखती हैं, आपके विपक्ष वाले ही ज़्यादातर आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद प्रतिक्रिया देनी होती है। आजकल क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन का एक लॉ था, आप जितना फोर्स लगाओगे उसके विपरीत उतना ही फोर्स लगता है, तो इक्वल बिटवीन। हाँ ठीक है, तो अब जब आप, पहले तो शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की, कि आप ये बताइए कि जर्नलिज्म में, मीडिया में आने का रीज़न क्या है आपके? दूसरा, ये रीज़न क्या कोई पारिवारिक, परिवार से? अमूमन देखा जाता है कि एक लेगेसी चली आती है कि किसी में डॉक्टर हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स मिलेंगे, टीचर्स हैं टीचर्स मिलेंगे, पॉलिटिशियन वाले तो पॉलिटिशियन बन ही जाते हैं। तो आप कैसा आने हुआ आपका जर्नलिज्म में? दरअसल आपका पहला सवाल ही थोड़ा ऐसा कि जो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसका जवाब दिलचस्प नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगी।
क्योंकि मैं BDS किया था मैंने, मैं साइंस स्टूडेंट। अच्छा, आप डॉक्टर थी? हाँ, तो मैं वही शायद मैं वही आगे फॉलो करती हूँ। और मैं जब तक अपना इंटर्नशिप वहाँ पर कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन ये पता नहीं कैसे एकदम हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा ऐसे ही कि NDTV का मीडिया इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लो। मुझे पता नहीं उस टाइम मैंने कुछ ज़्यादा सोचा समझा नहीं, मुझे लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, चलते हैं, एक साल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कोई क्लिनिक वगैरह ना खोलूँ, मैं ऐसे ही किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर पाऊँ, ताकि यहाँ पे एक्चुअली आप कुछ काम कर पा रहे हो, कुछ बदलाव ला पा रहे हो, आपको कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं जब एक साल यहाँ पे पढ़ने आई, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि शायद यही चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए थी हमेशा से। और मैं अब मुझे ज़्यादा महसूस हुआ, अब ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पर आना। क्योंकि आप चाहे सरकारी डॉक्टर बन जाएँ, चाहे आप कोई इंजीनियर बन जाएँ, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको इतनी आज़ादी कभी भी अपनी बात रखने की कहीं किसी और फील्ड में। आपको लगता है कि मीडिया में इतनी आज़ादी है अपनी बात रखने की, जो आप सोचती हैं, समझती हैं, देखती हैं, वैसे ही बोलने की, वैसे ही लिखने की? बहुत हद तक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हर तरीके की आज़ादी है, कि आप अपने चैनल के या अपने अखबार के माध्यम से हर बात कह सकते हैं, उतनी भी शायद मैं 100% उस आज़ादी को तो नहीं कहूँगी कि है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक है कि आप वो सारी बातें भी कह सकते हैं जो शायद किसी सरकारी मुलाजिम को कहने से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, शायद हमारे यहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं है। और हो भी सकता है कि दूसरे संस्थानों में थोड़ा और दिक्कत हो, जो मीडिया संस्थान है। NDTV को लेके मैंने ये चीज़ बहुत महसूस की है कि यहाँ पर इतना आपको ना कोई कहता है कि आप ये करिए, ना ही आपको ये कहता है कि आप ये मत करिए, तो इसलिए मुझे यहाँ का जो काम का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया को ऐसा ही होना चाहिए, या मीडिया हाउस जब कोई क्रिएट होता है तो अब उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए? क्योंकि आपने जॉब करती हैं किसी मीडिया हाउस के लिए, तो उसके नियम कानून को भी ध्यान में रखना पड़ता है, आपके बॉसेस अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आप उसको सुनना चाहेंगी, या अगर आपको लगता है कि जो आप हैं वो सही हैं तो आप वो बोल देना ही चाहेंगी? क्योंकि आजकल बोलने पर बवाल हो जाता है, और खासतौर पे सच बोलने पर। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज के दौर में सच बोलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि आप अपने बॉस के मुताबिक या अपने संस्थान के मुताबिक अगर आपको बोलना या काम करना है, तो फिर आपके लिए बहुत सारे नौकरियां दूसरी विकल्प हैं जहां पर आप जाके काम कर सकते हैं। आप कोई कॉर्पोरेट MNC क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ और क्यों नहीं कर लेते? अगर आप मीडिया में आकर इस आज़ादी को नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि जो सच है, जो सही है, और जो लोगों तक पहुंचना चाहिए उसे आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर मीडिया में होने का कोई फ़ायदा है। फिर आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, आप उन संस्थानों में जाइए और वो नौकरी करिए। ये तो बात हो गई आपकी आज़ादी की, अब मैं बात करता हूँ मीडिया की आज़ादी की। मीडिया पर भी अक्सर देखने में आया है, काफ़ी पुराना इतिहास है, मैं कोई एक विशेष घटना की बात नहीं करना चाहूँगा, काफ़ी पुराना इतिहास चला आ रहा है, मीडिया पे भी दबाव रहता है, मीडिया पे भी कब्जा करने की कोशिश रहती है, मीडिया को भी चुप कराने की कोशिश की होती है, चाहे वो छोटा अखबार हो चाहे बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल हो। तो उस लिहाज से क्या मीडिया हाउस को भी अब इन सारी चीज़ों, क्योंकि आजकल मीडिया बिजनेस है, जब तक आप अर्निंग नहीं करेंगे तो आप अपने स्टाफ को कुछ नहीं दे सकते, क्या ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं? इसका मैं जवाब थोड़ा सा बड़ा देना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में हम इन सब दिक्कतों से गुजर भी रहे हैं और इसके बारे में बहुत पढ़ भी रहे हैं। ये जो दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया में ही जो मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही ऐसा हो, या भारत में भी ये काल अभी आया है, भारत में भी पहले ही बहुत इंडियन एक्सप्रेस पे या बहुत सारे अलग अलग सरकारों में इस तरीके की कोशिशें की गई हैं कि जब भी आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी तरीके से, मतलब अगर आप सीधे तरीके से मना नहीं कर सकते मीडिया को कि आप ये मत करिए, तो आप टेढ़ी उंगली कर लेते हैं, आप कोई केस लगा देंगे या किसी IT CBI
का क्या छापा आपके ऊपर पड़ जाएगा कि भाई नहीं, ताकि इसी वजह से आप थोड़ा दब जाएं और कम बोलें? पाकिस्तान में जियो है, बीबीसी को लंदन में, मतलब सरकारें इस तरीके की कोशिशें कर ही रही हैं कि जो लोगों तक दरअसल पहुंचना चाहिए वो बात नहीं पहुँच पा रही। वैसे आपकी इस बात को दो लाइन में कहूँ, मैंने एक लाइन लिखी थी, ये क्या कह दिया नासिर, ज़माना तुमसे खफा सा लगता है, बोलना ही था तो ज़रा आहिस्ता बोलते, यहाँ सच पे जुर्माना लगता है। ये आपकी बात तो सच बोलने की कीमत एक तरह से मीडिया हाउस देता है। अब ये बताइए कि जैसे जैसे न्यूज़ हम लोगों तक पहुँचने के बहुत सारे ज़रिए हो गए, अखबार बहुत पुराना था, रेडियो बहुत पुराना था, टीवी चैनल आए, सरकारी होता था, दूरदर्शन होता था, दिन में दो एक बुलेटिन होते थे, उसे लोग सुनते थे, समझते थे, बहुत सुकून से समझने की कोशिश करते थे, एंकर भी समझने की कोशिश करता था, लोग भी समझने की कोशिश करते थे, और इंतज़ार रहता था कि आज वो 7 बजे का बुलेटिन है कि 8 बजे का बुलेटिन है। आज लगातार 24/7 बुलेटिन चलता है, जहाँ वो न्यूज़ भी चलती हैं कि साहब 1 घंटे में 1,000 न्यूज़, 30 मिनट में 50 न्यूज़, और वहाँ वो न्यूज़ आ जाती हैं जो शायद वो शायद अपने स्ट्रिंगर्स जो उन्हें भेजते हैं, छोटी मोटी न्यूज़ जो लोकल अखबारों के बहुत नीचे होती है, अब वो भी देखने में, भैंस मर गई, वहाँ झगड़ा हो गया, मोहल्ले में ईंटें चल गई, इस तरह की न्यूज़ें नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। अब एक प्लेटफॉर्म और आ गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनगिनत हैं उसमें, फेक भी हैं, रियल भी हैं, उसमें जाने माने हस्तियाँ भी हैं, उसमें आम लोग भी हैं। तब आप कैसे डिफाइन करेंगी, कैसे बतलाएंगी, कैसे समझाएंगी कि न्यूज़ को अगर आदमी, दो तरीके होते हैं समझने के जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो आस्था का सवाल है मीडिया हाउस के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, तो आप उससे लिखा हुआ गलत बात भी आपको गलत, वो बहुत अखरती है कि कैसे गलत लिख दी, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअल सच होता है जब वो सामने आता है, तो निष्पक्ष पत्रकारिता को कैसे समझेंगे इसमें, फेक न्यूज़ को कैसे समझेंगे इसमें, और रही बात जब उस कोई आप वो न्यूज़ अपलोड करते हैं और आप बताने की कोशिश करते हैं, तो उस पे जो लोगों का रिएक्शन आता है, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, और वो लैंग्वेज इस्तेमाल सोशल मीडिया के बाद बाद अब वो भीड़ में भी तब्दील होती चली जा रही है, तो ये काफ़ी कुछ हौश पौसा हो गया है, मेरा सवाल भी हौश पौसा हो गया एक्चुअली, तो उस बारे में आप कुछ बोलिए। दरअसल देखिए, एक तो बात लोगों के समझने की भी है कि एक बड़ा ही पहला कोई बेसिक सा रूल जिसे कहते हैं ना, वो है पत्रकारिता में कि आपको वो नहीं दिखाना है, मतलब जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, वो जो लोग जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो तो एंटरटेनमेंट है ना, फिल्में हैं, गाने हैं, उसके हिसाब से बनता है सब फिल्में गाने, लेकिन जो एक्चुअल लोगों को नहीं दिखाई देता और उन्हें देखना चाहिए, वो दिखाना ही पत्रकारिता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक रूल है और जिसे लोग भी, मतलब, और शायद लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि हम सरकार की तरफ खिलाफ बोल रहे हैं तो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जनता कब से, मतलब सरकार और जनता कब से एक पाले पर खड़े होने लगी? मैं जब मैं इस संस्थान में आई थी, तो मैं 2011 था, तब मैं यहाँ पर आई थी, और तब कोई एक दूसरी सरकार थी और अब एक दूसरी सरकार है, और मैं आपको ये बिल्कुल, शक्लें बदल गई हैं और हाँ, कुर्सियाँ वही है, संसद वही है, लेकिन फिर भी एक मुद्दों को समझने का, या मतलब कई गैर ज़रूरी चीज़ें अब बहुत हावी हो गई हैं इस वक्त इस सरकार के काल में, बहुत गैर ज़रूरी, जैसे कि मुद्दे भी कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर, मतलब मुझे लगता था कि क्या कभी भारत में ये सब मुद्दे भी होते थे जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, जब हम छोटे थे। आज के टाइम बहुत ही अजीब से और अलग से मुद्दे मुझे दिखाई देते कि यही आप कहीं गाय का है, गोबर का है, किसी भी चीज़ का है, कि अभी गौमूत्र पे रिसर्च होगा, या बहुत तरीके की, ठीक है, वो देशभक्ति, हाँ, राजभक्ति, वो अपनी तरफ अलग है, वो आप उसे करिए, लेकिन ये प्राइमरी मुद्दे नहीं हो सकते किसी देश के लिए। ये हो सकते हैं, आप ठीक है, आप अगर आपकी किसी चीज़ में आस्था है, आप बिल्कुल उसके लिए करिए, रिसर्च करिए, सब करिए, लेकिन इनको ही आपने बिल्कुल प्राइमरी और मेन मुद्दा बना दिया है, जो कि, और जो दिक्कतें थी जिससे त्रस्त होकर, जिससे त्रस्त होकर ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, जैसे कि भ्रष्टाचार को देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक इन 3 सालों में ये पता नहीं चला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या मुहिम छेड़ी गई, या भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या चीज़ की गई। ना ही जो चंदे का हिसाब है, जो राजनीतिक दल है उनके चंदों के हिसाब के ऊपर कोई फैसला लिया गया है, केवल वो ये था कि पहले 20,000 से नीचे का चंदा आपको नहीं दिखाना होता था, अब वो उसको सीमा घटाकर 2,000 कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और
और भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे काला धन के ऊपर बात थी, अब वो भी एक प्रोसेस है, और वो जैसे यूपीए में चल रहा था वैसा ही वो आज एनडीए में चल रहा है, तो और ना ही कोई और इसके अलावा आप मुझे बताइए कौन सा आपने ऐसा देखा कि जिसके खिलाफ लोकपाल, आप लोकपाल को ले लीजिए, जिस पूरा जो अन्ना आंदोलन हुआ था, मैं तो अन्ना को ही ढूंढ रहा हूँ अभी फिलहाल। अन्ना आंदोलन हुआ था वो था जन लोकपाल लाने के लिए कि भाई उसको लेकर आइए और उसकी सीमा में आप सबको रखिए, आप चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे एमएलए है, एमपी है, उसके लिए भाजपा जो थी वो उस टाइम बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, मंच से बोल रही थी, पूरा उसका समर्थन था, और उन्होंने अपने यहाँ तक कि अपने घोषणा पत्र तक में भी लिखा कि हम जन लोकपाल लेकर आएंगे। अभी आप 3 साल हो गए हैं, जन लोकपाल तो खैर यूपीए के टाइम में ही पास हो गया था, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा से वो एक कानून बन चुका है, लेकिन जन लोकपाल आपको जो उसका जो नियुक्त करने की जो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें ये है कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन चूज करता है, वो तो है ही नहीं, सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि आपने एक विपक्षी पार्टी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं रखा है, इसकी वजह से जन लोकपाल को आपने गायब कर दिया। और मैं सच बताऊँ तो दूसरी जो पार्टी है, कांग्रेस है जिसने पास किया या बाकी और भी पार्टियां हैं, उनको भी इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हालांकि उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते कि भाई हमने पास किया है, आपने अब तक क्यों नहीं किया, इतनी सी आपकी कौन सी इतनी बड़ी ईगो है, इतना घमंड हो गया कि आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चूज कर सकते, चाहे आप हम 44 ही हैं कोई बात नहीं, एक आप उसमें से कर सकते हैं अगर आपकी नीयत है जन लोकपाल को नियुक्त करने की, लेकिन बाकी पार्टियों का भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि उनके भी कुछ काले कच्चे चिट्ठे इसके अंदर खुल जाएं और उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात सामने आने लगे, तो जिसके लिए मुझे अब वही मैं ये कह रही हूँ कि आखिर भ्रष्टाचार से कैसे निपट रहे हैं, और आपने ऐसे कौन सा, आप जो यहाँ फिलहाल नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के ऊपर अब क्या हो पाया, उसमें नोटबंदी में अभी भी उतने ही लोग एक आईएएस के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, आप तो इसलिए कर रहे थे नोटबंदी की भाई उसकी वजह से कालाधन खत्म हो जाएगा या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस वक्त भी जिस टाइम नोटबंदी चल रही थी तब भी लोगों के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप बेसिकली क्या, आपने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपने कौन सी मुहिम चलाई, जो मैं 2014 से पहले जो चीज़ें इस देश में देख रही थी, जो समस्याएं वो अभी की अभी वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन उसके अलावा और ज़्यादा जुड़ने लगी है, जैसे अब आप देखिए ये मैं मॉब लिंचिंग होती होगी पहले, जैसे कि किसी औरत को डायन बताकर मार देते थे, राइट, या ऑनर किलिंग को भी आप ऐसे समझते हैं, मॉब लिंचिंग है एक तरीके से, लेकिन होती पहले भी थी, लेकिन अब जिस तरीके से बहुत आसानी से बिना डरे, मतलब लोगों में इतना आसान हो गया है कि आप हर रोज हर दूसरे दिन एक ये खबर सुन रहे हैं कि आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया, कोई चाहे, मैं उसको कह रही हूँ कि आप कश्मीर में भी अगर मोहम्मद अयूब को मारा है तो वो मानसिकता कैसे आई, मतलब आप इतना खुला हाथ कैसे है लोगों का कि आपको लगता है कि आप 20 लोग हैं और आप जाकर कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो ये तो मुझे नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर किसी आम व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो एक सरकार का ही इशू है, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो गया है, भ्रष्टाचार के नाम पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी चीज़ है जो सरकार ने आकर ठीक कर दी, मतलब मेरा सिर्फ इतना सवाल है, चाहे इस सरकार की बजाय कोई दूसरी सरकार भी होती तो मेरा सवाल उनसे यही होता कि भाई अगर हमने जिस वजह सत्ता परिवर्तन किया, आपने क्या बदलाव लाया, आपने क्या परिवर्तन किया इस देश के लिए, ये सरकार हो वो सरकार हो विधान प्रदेशों की सरकार हो, कुछ कुछ देखने में जो आया है अब तक 60-65 साल 70 साल का जो भी एक पैटर्न बना है, तो अगर ग्राफ बनाते हैं देखते हैं तो वो पैटर्न लगभग सेम होता है, शक्लें बदल जाती हैं, रहनुमा बदल जाते हैं, वजीर बदल जाते हैं, सिपाही बदल जाते हैं, मगर मरने वाले लोग वही आम लोग होते हैं, वही जो 9 to 5 जॉब करते हैं वही लोग होते हैं, उन्हें ही परेशानी होती है इस भ्रष्टाचार से, उनकी गाड़ी कमाई ये लोग कर लेते हैं, तो ये कुछ एक पैटर्न है कि एक सरकार आएगी भ्रष्टाचार करेगी, दूसरा उस मुद्दे को उछालेगी और सरकार में आएगी और कुछ नहीं करेगी, उसके बाद कुछ ऐसी सेटिंग सी आपको लगती है, बात यह है कि लोगों को मज़ा आ रहा है इस रिटोरिक में, लच्छेदार भाषणबाजी में उनको ये मज़ा आ रहा है कि क्योंकि आप जिस एक अच्छी भाषा में अच्छे लहजे के साथ और खूब जोश से कोई बात कहते हैं तो एक बार तो किसी का भी मन करता है कि उसको विश्वास कर लिया जाए, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है, मैं भी इंसान हूँ, सब लोगों का ऐसा ही होता है, लेकिन अब उस चीज़ को फिर आप बाद में जांचेंगे भी ना कि जो भी उन्होंने मंच से बोला आपको इतने दिन रोज़ लगातार, अब उसके ऊपर उन्होंने जो बोला उसके ऊपर उन्होंने एक्शन क्या लिया अभी तक, ये तो आप देखेंगे ना, मैं मुझे याद है कि तब कभी आप बोल रहे थे कि 100 दिन के अंदर जितने भी दागी MP MLA हैं उनको जेल में डाला जाएगा,
मुझे तो कोई नहीं दिखा अभी तक MP MLA जो दागी वहाँ पर। हाँ, लालू प्रसाद यादव के ऊपर चल रहा है पूरा CBI का रेड, लेकिन मुझे पता नहीं कि अब उसका भी क्या हल निकलने वाला है वो भी, क्योंकि और एक और इसके ऊपर मैं बात, ये मुझे विपक्ष की भूमिका की बात ध्यान में आ रही है कि जैसे अभी बातें चल रही हैं कि विपक्ष को जुड़ जाना चाहिए, विपक्ष एकता होनी चाहिए। मैं कभी नहीं जाना, मुझे नहीं पता कि विपक्ष एकता इस देश में कब आई थी। विपक्ष एकता कभी एक मिथ है, मुझे लगता है कि है, क्योंकि जब जिस टाइम यूपीए भी था उस टाइम भी बहुत सारे जो बातें होती थी, जैसे पार्लियामेंट में कभी होता था कि इसके ऊपर वोट देना है, हम सब मिलकर विपक्ष इस पे वोट देंगे, इसके खिलाफ वोट देंगे, इस पे वोट देंगे, उस टाइम भी बहुत सारे सपा है या बसपा है वो वॉकआउट कर जाते थे कि बीजेपी को पीछे से बोलते थे कि हाँ हम आपके साथ है विपक्षी एकता, लेकिन सदन में अगर वॉकआउट कर जाते थे। वैसे मुलायम सिंह की राजनीति मुझे अच्छी लगती है, तुम भी मेरे वो भी मेरे वो भी मेरे सब नहीं, मेरे। लेकिन जो कुछ कई जो केसेस भी होते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि जो इनके उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, जो CBI की जो लगाम एक जो कस जाती है इनके ऊपर, ये कभी भी इन केसेस का मुझे नहीं लगता कभी इनका कोई हल निकलने वाला। CBI में जॉब करना चाहेंगी आप? नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अगर जहाँ पर आपको अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पे आप नहीं, पूरी आज़ादी होती है शायद, मुझे लग रहा है जब इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं देखना चाहूँगा किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है जब ये नेताओं से सवाल जवाब होते हैं। वैसे आपको पढ़ना चाहिए, रविश कुमार ने भी हाल ही में एक पूरा उन्होंने रिसर्च निकाला है कि CBI के सारे नोटिफिकेशन पे कि कितना उन्होंने बताया कि जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं जैसे रेलवे में, उनको पकड़ने में CBI मुस्तैद है, लेकिन किसी बड़ी मछली को वो नहीं पकड़ पाई है या उनके ऊपर अभी तक कुछ एक्शन हो ही नहीं पाया है। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, पता चला है मेरे पहला पन्ना पे भी एक दिन का बैन लग जाए, तो टॉपिक चेंज करते हैं। आप मीडिया से हैं, मीडिया में अक्सर पहले होता था एक क्षेत्र बांट देते थे कि आप एजुकेशन फील्ड में आप रिपोर्टिंग करना है, आपको आप पे इंटरेस्ट होता था, पॉलिटिक्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। आजकल एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का ट्रिपल तलाक पे कर रहा है, उसकी एक क्षेत्र बना लिया है, हलाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, गाय हो गई, बीफ हो गया, देशभक्ति हो गई, अंधभक्ति हो गई। आप क्या लगता है कि जर्नलिज्म भी अब भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, चाहे वो पैसे के मामले में ना हो लेकिन आपकी आत्मा बेचनी पड़ रही है? ना सर, पता है जैसे आप उसको कंपैरिजन वो ठीक नहीं है कि पहले एजुकेशन पे एक अलग बीट होता था, पॉलिटिक्स पे एक अलग बीट होता था, और किसानों पर एक अलग बीट होता था या रूरल एरियाज पे, वो अलग बीट होते थे और वो ऐसे बीट होते थे जहाँ पर आपको प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत होती थी, आप करते थे, प्रॉपर रिपोर्ट्स बनती थी, सब कुछ होता था। मैं आपको बोलूँ, अगर आज आप तीन तलाक पर भी, अगर मान लीजिए आपने एक बना दिया है, एक अलग से बीट बना दिया है, तीन तलाक है या हलाला है या मुसलमानों को लेकर है या गाय के ऊपर है, उसमें 1% भी रिसर्च है ही नहीं, 1% भी नहीं है, ना ही ये कानूनन तौर पर ट्रिपल तलाक पर रिसर्च हुआ है, ना किसी और चीज़ पे हुआ है। एक बस एक जो भयंकर तरीके से इसको इस तरीके से निकाल के दिखा दे, जैसे तीन तलाक इतना व्याप्त है और इतनी बड़ी समस्या है जैसे कि कुछ और है ही नहीं इस देश में। अगर मैं कानूनन तौर पर भी, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ, तो जैसे ट्रिपल तलाक, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, हाँ, तो तीन तलाक में दो तरीके के तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत होता है जी, ठीक है। तो तलाकुल सुन्नत में एक प्रॉपर प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, और इसमें ये भी होता है कि मान मुनव्वल के बाद लोग आपस में दोबारा दोनों पति पत्नी वापस आ जाते हैं। तलाकुल बिद्दत जो है उसको गलत माना गया है, इवन क्लेरिक्स ने उसको गलत माना है कि इसको अवॉइड ही करना चाहिए, है लेकिन इसे अवॉइड करना चाहिए। एक्सट्रीम केस में है जहाँ पे आपको शायद जान का खतरा हो। हाँ, तो जहाँ मेरा कहना ये है कि जब तलाक और बिद्दत जब मतलब उसको क्लेरिक्स ने ही गलत माना है, उसको मोहम्मद साहब ने ही गलत माना, हालांकि उन्होंने प्रावधान दे दिया है लेकिन उन्होंने गलत माना है, तो तलाक और बिद्दत को खत्म हो जाना चाहिए। तलाक और सुन्नत है, उसमें ना ही मुस्लिम्स के लिए कोई दिक्कत होगी, ना ही उसमें जो मुझे पता नहीं जो बाकी लोगों को इससे क्या नहीं, जो नहीं, हिंदू लोग हैं जिनको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो गलत चीज़ है वो समाज से निकल जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या गलत है, क्या सही है, एक बताने का तरीका होता है। मैं यही आपसे वहीं पे बात आने वाली थी कि इस तरीके का जो कानून तौर पर रिसर्च है या अगर जो धर्म में जो लिखा है उसके हिसाब से रिसर्च है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने एक हवा बना दिया है, आप 10 लोगों को बिठा देते हैं और 10 लोगों को भी आप ऐसे मुस्लिम लोगों को बिठाते हैं जो जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, नॉलेज भी नहीं है, और जो भयंकर हल्ला कर रहे हैं, सेंस, राइट, बोलने का तरीका नहीं है। उन लोगों से भी
दिक्कत है जो आकर वहाँ बैठ के हल्ला करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से पूरे देश में एक उनके बारे में एक छवि जाती है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग अपनी औरतों को ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से उन लोगों को ही, जो बाकी जो भारतीय मुसलमान है, जो होशियार है, जिसको समझ है, जिसे पता है कि किस तरीके से बोलना है या नहीं, उनको ही इन लोगों का वो बहिष्कार करना चाहिए कि भाई आप जाकर, आप कौन है, आप हमारे ठेकेदार नहीं, आप जाके बोल रहे हैं। मैं इतने सारे मुसलमानों को जानती हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें उनके तरीका है बात करने का, जिन्हें मालूम है कि चीज़ क्या है, मुद्दा क्या है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, जो ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, उन लोगों को बैठाते ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, चीखने वाली बात से मुझे एक बात समझ में ध्यान में आई कि कुछ एंकर्स भी हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोलते हैं, चीख जाते हैं, मुझे कभी कभार तो लगता है कुर्सी से खड़े हो जाएंगे अभी ये। बट मुझे एक दो चीज़ें समझनी है। ऐसा क्या वो शपथ लेके अंदर से निकल के आते हैं कि आज मैं सारे वॉल्यूम ब्रेक कर दूंगा, कैमरे के जो एक पैरामीटर्स होते हैं वॉल्यूम सेट करने को, उससे ऊपर जाना है मुझे। दूसरा, वो ऐसा क्या खाते हैं कि उनका गला खराब नहीं होता? नाजी, आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि मैंने एक जोक बनाया था, एक चुटकुला बनाया था, तो उसमें यही था कि एक फैन है, वो भागकर एंकर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि अरे सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप, मैं आपको न्यूज़ चैनल पर देखता हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। दरअसल ये है कि जो आप वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, जो इतना गुस्सा, इतना रोष देख रहे हैं वहाँ पर बैठ कर, वो कैमरा ऑफ होते ही वो खत्म हो जाता है। जिसके ऊपर वो गुस्सा कर रहे थे, उन्हें भी चाय कॉफ़ी पूछते हैं, आराम से बैठते, बात करते, सब होता है। तो जनता मूर्ख बन रही होती है, जैसे को किसी पॉलिटिशियन की वजह से मूर्ख बन रही होती है, जैसे वो अपना पूरा जोश दिखाते हैं, लच्छेदार भाषा करते हैं, वैसे ही एंकर भी अब पॉलिटिशियन की भूमिका में आ गया है। वो भी उनको ऐसे ही अपना फैन बना रहा है, उस तरीके से बातें करके, अरे ये आदमी है, ये इतना बढ़िया बोलता है, ये सबकी बोलती बंद कर देता है, ये यूं कर देता है, वो कर देता है। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये सब एक्टिंग है एक तरीके से। तो जर्नलिज्म में ये सिखाया जाता है? जर्नलिज्म वैसे मुझे लगता है मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक इंटरव्यू की, बट मैं चीख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि, वैसे मैं आपको बता दूँ, इस वक्त दिल्ली का मौसम बहुत गर्म है। परमिशन लेने की कोशिश की थी कि अच्छे माहौल में बैठ के बात होगी, वो परमिशन नहीं मिल पाई। परमिशन पे परमिशन, इंडिया का थोड़ा सिस्टम है अजीब सा है, आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो अच्छी होती हैं, बट उन सारी चीज़ों की परमिशन मिल जाती है आपको जो शायद समाज के लिए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होती है। तो मेरा सवाल ये था कि जर्नलिज्म में ये सब सिखाया जाता है, जर्नलिज्म का पार्ट है? बिल्कुल भी जर्नलिज्म में कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ये सीखते कहाँ से हैं? ये धीरे धीरे, शायद मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप एक नया आसपास से एक एक इम्प्रोवाइजेशन है, जैसे एक्टिंग देख देख के कोई, बिल्कुल उन्होंने एक्वायर्ड किया है, ये जो उनका गुण है ये एक्वायर्ड है, लोगों को देखा कि यार लोगों को पसंद आता है, सैलरी हाइक में मदद मिलती है। अभी यहाँ पे दो लोग लड़ने लगेंगे, हम लोग खड़े होकर देखेंगे नहीं उसे? जी बिल्कुल देखेंगे, ये मानसिकता है हम लोगों की। पर मैं एक यहाँ रोकना चाहूँगा, दो लोग लड़ेंगे देखेंगे, पर शायद वही लोग देखेंगे जो खाली हैं, जो अपने काम से वो निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों को शायद आप कहना इनडायरेक्टली ये जा रही हैं, जो खाली हैं वही लोग देख रहे हैं उन्हें। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई भी सही पर लड़ाई होती है, एक बार तो सब देखते ही हैं, या मतलब जैसे सबका भी इंटरेस्ट नहीं होता। सही बात आपकी भी है कि कुछ लोग अपना निकल जाते हैं अपने काम में, कुछ लोग खड़े होकर खूब अच्छे से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब सबको आता है, आम आदमी को मज़ा ही आता है। तो न्यूज़ चैनलों ने भी शायद ये सोच लिया है कि अरे अच्छा, आदमी लोग एक बार रिमोट शफल कर रहे हैं, रिमोट दिख रहा है कि लड़ रहा है एक दूसरे पे, कुछ कुछ बोल रहे हैं, और रोक दो, वो देखते हैं खुद लड़ाई उसको। तो ये तो आम आदमी की मानसिकता है, इसी को आप कहते हैं टीआरपी आ गई, आप लड़ा। अच्छा हाँ, मुझे ये टीआरपी का चक्कर क्या है, अगर टीआरपी कम आए किसी चैनल की तो क्या सैलरी कम हो जाती है, या एडवर्टीजमेंट कम हो जाते हैं, या एडवर्टीजमेंट जो आप प्राइम टाइम में दिखा रहे हो या किसी एक सिलेक्टेड टाइम में दिखा रहे हो तो उसके रेट कुछ कम मिलने लगते हैं टीआरपी? हाँ, मतलब कम आने से क्या इसका दिक्कत ये है कि देखिए एनडीटीवी तो खैर टीआरपी को इतनी तवज्जो देता ही नहीं है, हम देते हैं। हाँ, बाकी चैनल्स एनडीटीवी को धन्यवाद। 0.5 भी कहीं पे टीआरपी कम हो जाती है तो वहाँ पर गम का माहौल हो जाता है न्यूज चैनलों में, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वो इतना सीरियस हो जाता है, मीटिंग पे मीटिंग होती है कि 0.5 कम कैसे हुई, क्या हुआ? तो बात यह है कि टीआरपी का खेल सिर्फ इतना है कि जब आप एड जो आपको मिलती हैं बाहर से, आप वो टीआरपी उन कंपनीज को दिखाते हैं कि हमको इतने लोग देख रहे हैं तो आप हमें एडवर्टीजमेंट दें, क्योंकि हमको इतने लोग देख रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट देंगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट लोग देखेंगे ना, तो आप हमें एडवर्टीजमेंट दीजिए, और सिर्फ इतना एडवर्टीजमेंट का खेल है टीआरपी का।
टीआरपी बाकी जो लोग देख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको क्या पता क्या किस तरीके के लोग आपको देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, आपको कभी नहीं पता चलता। वैसे जहाँ तक मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि लड़ाई देख रहे हैं, अब उनको कोई उससे कोई नॉलेज थोड़ी ना हो रही है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा उससे, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, जैसे वो कोई सीरियल देख रहे हैं ऐसे, वो लड़ाइयाँ देख रहे हैं उस पर, आपका गुस्सा देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपने किसी को लताड़ दिया, अब तो गालियाँ भी देने लग गए लोग, ल्यूनेटिक भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुत्ता भी बोल देते हैं, वो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और चलन में है, ये वोट मंगाते हैं, कोई डिबेट करने जा रहे हैं उससे पहले ट्विटर पे पोल दीजिए, SMS पे पोल दीजिए, और देखिए जी 99% लोगों ने ये बोल दिया जो सब्जेक्ट है उसके फेवर में ही बोल दिया, और 2% 4% लोग हैं जो उसके अगेंस्ट में चले गए हैं, क्या है ये चक्कर, कुछ बता पाएंगे आप? मैंने NDTV पे कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि न्यूज़ चैनल ट्विटर और फेसबुक को इतना इंडोर्स क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा होगा कि उनके न्यूज़ चैनल ट्विटर और उस पर ज़्यादा इंडोर्स हो रहे हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल भी ट्विटर और फेसबुक को इतना इंडोर्स कर रहे हैं कि वहाँ से पोल मंगा रहे हैं, क्या ये आप हमें भेजिए, यहाँ से लिखिए कि क्या है क्या नहीं है, और उस पर कितने लोग, आप देखिए आपको पता है कितनी जनसंख्या है इस देश की, 125 करोड़। हाँ वो कई बार डायलॉग सुना, 125 करोड़, हाँ वो मैं याद हो गई, करोड़ है हाँ। उसमें से 100 लोग ट्विटर पे आपको वोट दे देते, चलिए 1000 भी मान लीजिए, चलिए आप 10,000 भी मान लीजिए कि आप अपनी राय भेज दी उन्होंने, और वो लोग जो मतलब जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो कर सकते हैं, जिन्हें पता है कैसे करना है क्या नहीं कर रहा है, तो ये क्या सैंपल है, ये क्या सैंपल है जिससे कि आप ये इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि लोग ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते, ये कोई सैंपल नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ लोगों को और अपनी तरफ जोड़ने का, ये कर सकते कि हाँ भाई हम आप अपनी वोट दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, और इससे पता नहीं सरकार इससे अपना डिसीजन चेंज कर लेंगी, आप कर लीजिए ना, आप आज सारे आप वोट करा लीजिए, जन लोकपाल कितने लोग चाहते हैं, अभी भी लोग लिख देंगे, मैं बता रही 1,00,000 लोग लिख देंगे ये पोल, तो क्या सरकार अपना डिसीजन चेंज कर देंगे उससे, कोई भी नहीं करेगा। एक नई बात आजकल देखने में ट्रेंड में आ रही है, हर चीज़ नई है, अब जो कुछ आजकल चल रहा है वो सब कुछ नया ही सा लगने लगता है, क्योंकि पहले शायद वो काफ़ी पहले हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, मैंने देखा है कि आजकल एक खौफ सा है कुछ सोसाइटी में, मतलब आप बोलना चाहें आप बोल नहीं पाएंगे, जो आपके जानने वाले हैं जिनके साथ आप मोहल्ले में उठते बैठते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, वही लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं, ट्रोल की सारी हदें पार कर जाते हैं, इस सब चीज़ों में क्या मीडिया का रोल है, मीडिया की हद तय होनी चाहिए, मीडिया का रोल है एक बात, मीडिया की हद तय होनी चाहिए, और मीडिया को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, चाहे कुछ दिन खुद ही ब्लैक कर लें और सोचें और उसके बाद ऑन एयर आएं। देखिए मीडिया का रेगुलेशन तो होना चाहिए, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है, आप तो इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि रोज़ रोज़ उनके ऊपर केस लगाया जाए, रोज़ रोज़ उन्हें कोई सरकार उन्हें इस तरीके की उन्हें कोई आदेश दे कि ऐसे करो और वैसे ना करो, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, या कोई इंडिपेंडेंट संस्था होनी चाहिए जो जिसके हाथ में कोई पावर भी हो कि भाई वो अपने आप आपको रेगुलेट कर सके कि आप ये जो कंटेंट दिखा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये समाज में मतलब द्वेष फैला रहा है या इससे और सब दिक्कतें हो रही, इस तरीके का कुछ होना, जैसे इंडिपेंडेंट जो सरकार ना हो जिसके पीछे। आपको लगता है कि इस मुल्क के अंदर कोई संस्था बनेगी इंडिपेंडेंट होगी और उसके ऊपर सरकार कुछ नियंत्रण नहीं रखेगी, सरकार का दखल नहीं होगा? अभी भी खैर इतना भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की प्रॉब्लम अभी आ रही है कि जो स्वायत्त संस्थाएँ हैं उसमें भी सरकार का दखल है, अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है, स्वायत्त है तो है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाँ हैं तो सब लोग आपस में एक दूसरे को जानने वाले, एक दूसरे के दोस्त भाई सखा सब है, तो ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल ही वो पूरी तरीके से स्वायत्त है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। एक मूवी आ रही है इंदु सरकार, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है सब्जेक्ट, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कुछ कड़वी यादें हैं, क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आपने बुरा किया वो जी कोई भी सरकार हो हमें मंजूर नहीं है, आप बोलोगे तो हम आपको बंद कर देंगे, आप दिखाओगे तो हम बंद कर देंगे, अगर हम सरकार में हैं तो कार्रवाई कर देंगे, CBI भेज देंगे, और अगर सरकार में नहीं है तो वैसे सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करेंगे, सरकार वो बात करेंगे, सेंसर बोर्ड से बात करेंगे, ये क्या? मुझे तो बिल्कुल जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है इस फिल्म के खिलाफ, मैं उसको बिल्कुल गलत मानती हूँ, और क्योंकि मधुर भंडारकर की पहले की भी फिल्में हैं
चाहे अभी उनका राजनीतिक रुझान कुछ भी हो, हाँ, लेकिन उनकी जो पहले की भी फिल्में हैं वो काफी उन्होंने काफी मतलब रिसर्च से बनाई, जो वो सच्चाई लेके आए हैं जो शायद लोगों को गॉसिप में रहती थी और उन्होंने पर्दे पे उतारा है। और जो इंदू सरकार है, जो कि कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी उस वक्त की एक कहानी है, तो इमरजेंसी कोई तो तथ्य है, आप उसे झुठला थोड़ा ना सकते, वो तो हुआ ही था। और आपने एक और उसको कहा भी जाता है, एक डार्क आर था जब ये इमरजेंसी लगाई गई, तो उसका जो हम जैसे लोग हैं जो हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमें तो नहीं मालूम है ना उसकी क्या सच्चाई, हम पढ़ के देख सकते हैं। और अगर उसको फिल्म के पर्दे पर उतारा जाए, फिल्मी पर्दे पर, तो उसमें गलत क्या है? अभी ये बेकार का एक ढोंग है कि आप इसके खिलाफ मत बोलिए, जो प्रदर्शन हो रहा है सब कुछ हो रहा है। हालांकि जो लोग अब इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि नहीं इंदू सरकार होना चाहिए, वो शायद वो पहले बहुत सारी फिल्मों के वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। बेसिकली ये आज़ादी, आप जो ये भी फिल्म भी एक तरीके का मीडिया ही है ना जी, तो आप इन चीज़ों पर बहुत तरीके से लगाम लगने लगी है, कोई कोई शब्दों पर लगाम लगने लगी है। आप गाय शब्द नहीं बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो, आप इंटरकोर्स नहीं बोल सकते हो, हाँ। मतलब ये मीडिया पर इस तरीके की जो लगाम लग रही है ना, वो शायद इंदू सरकार में भी उसी वक्त इमरजेंसी में लगी होगी जैसे अब लग रही है। आप अभी कभी सीबीआई भेज रहे हो, आप कभी कोई नोटिस भेज रहे हो, आप कभी कुछ अब किसी फिल्म के ऊपर आप प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, आप किसी फिल्मों पे ये शब्द को काट दो, इस सीन को काट दो, ये सब नहीं चलता है। मतलब ये एक तरीके बहुत मीडिया के ऊपर जो लगाम है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और चाहे वो इंदू सरकार हो चाहे किसी भी और सरकार के खिलाफ फिल्म बन रही हो, उस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इन सब चीज़ों को, सच से शायद लोग डरते हैं। वो एक दो लाइनें शायद मैंने और लिखी, वो बताता चलूँ कि वो जो भी मैं सोच रही हूँ कि कांग्रेस के पास खोलने के लिए भी फिलहाल क्या है, अगर मान लीजिए हिंदू सरकार के भी एक जो ये तो आप बता नहीं पाएंगी कि सरकार कांग्रेस के पास खोने को क्या क्या है, क्योंकि तहखाने बहुत बड़े होते हैं, सुरंगें बहुत, वहाँ रोशनी कम होती है, वहाँ वो सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते होते हैं जो शायद बहुत आराम से बैठ के देख रहे होते हैं, वरना इतने हंसमुख चेहरे इतनी अच्छी सेहत के साथ यूं लहराते हुए गाड़ियों में घूमते रहना, इन कांग्रेसियों का, इन बीजेपी वालों का, समाजवादी वालों का, बहुजन समाज वालों का, किसी भी नेताओं का बहुत रेयरली देखा जाता है। अच्छा हाँ, याद आया, बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती इस्तीफा दे गई हैं जी। बात यह है कि मायावती के पास खैर अब और उनके पास भी खोने को कुछ नहीं है, उनके पास तो वाकई में कुछ नहीं बचा। दरअसल ये आते हैं राजनीति में, इस तरीके के मोड आते हैं, इस तरीके के फेज भी आते हैं, तो मायावती के लिए एक अच्छा वक्त है कि जब उन्हें शायद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अब अगर उन्हें अपने लोगों की बात आगे, क्योंकि देखिए सच बात है कि वो एक दलित चेहरा तो है ही, लोग उनमें अभी विश्वास तो रखते हैं ही, तो वो अपने लोगों की बात या किस तरीके से आगे पहुँचाएंगी इसके ऊपर उन्हें अब सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप सिर्फ राज्यसभा से भी नहीं पहुँचा सकती हैं, आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कभी करके भी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की मांग भी है कि चलिए अब आप शायद अब आपका सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है, आप आइए, आप घर घर जाइए, आप लोगों से बात करिए, आप मीडिया से मीडिया फ्रेंडली हुए हो जाइए। वैसे मुझे उनके बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, वो कम से कम चीखती नहीं है, बहुत शालीनता से पढ़ती है जो लिखा गया है, पता नहीं लिखता कौन है। बहरहाल आप भी समझती हैं कि इनके लोग, उनके लोग, बीजेपी के लोग, मायावती के लोग, कांग्रेस के लोग, ये लोग हैं तो हिंदुस्तानी, फिर ये किस लोगों के बारे में बात की? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि शायद वो दलित से उभर से दलित के रास्ते से निकलते हुए आगे बढ़े? मानते हैं जैसे कि मैं लड़की हूँ तो ऐसा माना जाता है कि शायद मैं, क्योंकि मैं उन दिक्कतों से गुजरी हूँ जिस लड़की को गुजरती है बचपन से लेके बड़े होने तक, क्या स्कूल है, कॉलेज है, वो है, तो शायद मैं उसके ऊपर अपनी बात अच्छे से रख पाऊँ। इसी तरीके से माना जाता है कि अगर कोई दलित है, कोई दलित नेता है, तो शायद वो अपने जो दलित जो समाज है उसकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्याएं थी या जो उन्होंने झेला, उन चीज़ों को ध्यान में रख के वो बेहतर तरीके से उन्हें प्रतिनिधित्व दे पाएगा। कोविंद साहब कुछ कोविंद साहब कर पाएंगे आपको लगता है, या मीरा कुमार? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक जो लोग होते हैं वो फिर राजनीतिक ही हो जाते हैं, फिर उनका कोई जात या धर्म या कुछ और रह नहीं जाता, वो प्रॉपर राजनीतिक होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपनी सरकार के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि मुझे भी इतना ऐसा कोई इंसान मिला नहीं है कि जो सच में अगर रिप्रेजेंटेशन देने आया है तो सच में वो रिप्रेजेंट ही कर रहा है। हाँ, एक लोगों को ये फील ज़रूर होता है कि हमारा ये व्यक्ति हमारे समाज से है, उनको एक वो अच्छा एक हाई फील होता है कि ये हमारी तरफ से है। ठीक है, जब मायावती भी थी
जब वो पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनी, पहली दलित मुख्यमंत्री बनी, तो लोगों में इस तरीके से उनके जो समाज था उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि एक हमारे समाज से है जो ऐसा हेयर कट रख रही है, जो हाथ में बैग पकड़ के चल रही है, जो सामने ऐसे इतने आदमियों के साथ सामने अकेले ऐसे चल रही है, मूर्तियां बनवा रही है, हाथी लगवा रही है, बिल्कुल आप उसको कुछ भी कहिए, वो उस तरीके से बिल्कुल एक दलित रिप्रेजेंटेशन, मुझे उसका भी एक अपना मतलब सिग्निफिकेंस है, एक प्रासंगिकता है कि वहाँ पर चाहे वो पार्क हैं, चाहे वो उनकी अपनी मूर्ति, खैर थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है कि कोई अपने जीजू जी अपनी मूर्तियाँ बनवाए, तो ये बड़ा ही नार्सिसिस्ट वैसे अच्छा कर लिया, मुझे नहीं लगता उनका दौर आने वाला है। अगर अच्छा आप एक कर लिया दलित चेतना कोई स्मारक बनाते हैं या कोई पार्क ऐसा बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। आप वहाँ पर जाकर लोगों को अपना फील हो सकता है, जहाँ पर जिन लोगों को मंदिरों में जाना कभी अलाउड नहीं हुआ, जिस पे हिंदुओं ने और अपर कास्ट ने जिस पे अपना हक समझा कि हम यहाँ पर या मंदिर हमारे हम जाएंगे, एक ऐसा दलित चेतना स्मारक बन गया तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें कोई बड़ी कोई गलत नहीं है। ऐसा उनको कम से कम उन लोगों को फील होना चाहिए ना, ये हमारी जगह है, हम यहाँ जाके बैठ सकते हैं, हम यहाँ जाके बोल सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं ये जहाँ से हमने बात शुरू की थी वो ये थी कि लोगों को ऐसा बस ये फील होता है कि हमारे समाज का व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया है और हम अच्छा उन्हें एक अपने बारे में एक अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन हाँ, वो सवाल दूसरे हैं कि आप एक्चुअली अपने समाज को आगे लाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। वैसे राजनीति को जितना भी मैंने समझा है, बस लोगों को अच्छा ही लगता है, बाकी मज़े तो हमारे सांसद विधायक लोग ले जाते हैं। राजनीतिक तौर पर जनता को बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें चेतना की ज़रूरत है, वो उस तरीके से नहीं आ पाई उनके अंदर। आप राजनीति ज्वाइन करना चाहेंगी? मैं स्पोक पर्सन एक्टिव पॉलिटिक्स संबित पात्रा के साथ बहस गर्मा गर्म वाली नहीं, पता नहीं शायद उसके लिए राजनीति के लिए कुछ अलग गुण होने चाहिए आप। नहीं, आपको बड़ा मोटी खाल का होना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जज्ब भी करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपानी भी होती है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी शायद बोलनी होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन वो गुण मेरे अंदर है। नहीं, वैसे बाबा जी ने मैंने सुना था एक ज्योतिष वाला स्कूल खोला है, तो शायद वो पॉलिटिक्स वाला स्कूल भी जल्दी खोल लेंगे, तो मैं भी आवेदन करूंगा, अगर खुलता है तो बताऊंगा मैं आपको। अब आखिर दौर में हम अपनी बातचीत को लेके चलते हैं, और थोड़ा ये बताइए कि आपको कितना साल हो गया जर्नलिज्म में? 6 साल। इन 6 साल में बदलाव देखा है अपने आप में? जो चीज़ें पहले बहुत साधारण सी लगती थी, अब समझ में आता है वो ये ऐसी होती हैं, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और हमें उस पर किस तरीके से रिएक्शन करना चाहिए? मैं बिल्कुल आपको ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी लोग अब ये सुन भी रहे होंगे, तो मैं बोल रही हूँ कि शायद मेरी एक तरीके से रीस्कूलिंग हुई है लाइफ में, जो मैं शायद स्कूल कॉलेज डॉक्टर बन के भी चीज़ें नहीं सीख पाई, वो शायद मैंने इन 6 सालों में सीखा है। आप जैसे मैं एक आपको एक वाकया ही बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले ही दोस्तों के साथ बैठे थे और बात चल रही थी इन चीज़ों के बारे में कि नहीं, एक आईएएस को प्रिविलेजेस ज़्यादा होने ही चाहिए या एक मेजर कर्नल को प्रिविलेजेस ज़्यादा होने ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और वो डिसीजन मेकिंग पावर है उनके पास ये गुण भी है कि वो डिसीजन बना सकते हैं, इसलिए उनके प्रिविलेजेस ज़्यादा होने चाहिए। तो मुझे उस वक्त सिर्फ एक चीज़ दिमाग में ये आ रही थी कि क्योंकि एक मुहावरा चल पड़ा है ना, अकल बड़ी या भैंस, तो हम वही फॉलो करते हैं कि अकल ही बड़ी है, भैंस बड़ी नहीं है। ठीक है, आप उस मुहावरे को फॉलो करिए, लेकिन आप ये देखें कि जो लोग सीवर में उतरते हैं या जो लोग कोयला खान में अपनी देही गला रहे होते हैं, क्या उनको उनके मतलब वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि या जो डिसीजन मेकिंग पावर में बैठा है जो इंसान या जिसने एग्जाम्स क्लियर कर लिया, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है? इस चीज़ को ना एक आम इंसान कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकता है। ये आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, जब आप सच में देखेंगे कि अगर आपको मैं 2 लाख रुपये दूँ आज, क्या आप 2 लाख रुपये देकर एंट्रेंस एग्जाम देकर भी क्या आप सीवर में उतरना चाहेंगे? आप कोयले की खान में उस गर्मी में तपना चाहोगे? आप क्या आपको 10 लाख दूंगी आप तभी भी नहीं करोगे? आप मुझे देखिए, दिमाग लगाना ज़्यादा मुश्किल है कि उस बदबू में उतरना और उस कोयले की खान में अपनी देही गलाना, वो ज़्यादा मुश्किल है। और अभी तो खबर एक आई भी थी वो सीवर में कुछ अभी लोग, आपको पता नहीं है, इसके तो खैर कोई डेटा ही नहीं बनाया जा रहा है। बात ये है कि हर दिन या हर कहीं ना कहीं इस देश में लोग उस जहरीली गैस से उस सीवर में उतर के मर रहे हैं। तो दरअसल बात ये है कि जो आम लोग हैं उसको ऐसे समझते हैं कि नहीं, प्रिविलेज उनके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है सर, आप किसी को ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन कम से कम जो बेसिक है वो तो आप लोगों के लिए नॉर्मल रखिए ना, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, तो आप कम से कम उस लेवल पे तो सबको बराबर रखिए।
सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम इस देश में कर रहा है और जो सच में देश को सर्व कर रहा है, वो देश को सर्विस है। अगर आप देखिए 10 दिन के लिए अगर सारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाए पूरे देश में, यहाँ पे हाल क्या होगा? हम शायद घुट घुट के यहाँ पे मर जाएंगे। नहीं, वो होता रहता है, देश की सर्विस है। आपने देखा, वैसे दिल्ली में इंटरव्यू कर रहे हैं तो केजरीवाल का नाम ना लें तो जरा गलत होगा। MCD और दिल्ली सरकार की लड़ाई रहती थी और पिछली MCD ने भी हड़ताल होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि क्या हालात रहते हैं। खैर, पहले मैं अपना कुछ बोल देता हूँ आपको जाने से पहले, जो मैं समझता हूँ कि बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर्वरिया सांगवान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहला पन्ना को देखने वालों के लिए या अपने फॉलोअर्स के लिए या जिन्हें बोलना चाहती हैं वो कुछ बोलेंगी। पहले मैं बोल देता हूँ, इंसानियत जब मर जाती है तो एक बस, एक जिस्म बचता है जो बस हवा सा फिरता है। वो वही करता है जो आजकल इस मुल्क में हो रहा है। वो किसी को दुखी देख कर या दुखी कर कर ही खुश होता है, जो बस अपने बदहवास जिस्म की ही सुध लेता है, समझता है। और मुझे अक्सर ऐसे लोग मिल जाया करते हैं जो जिनमें, वैसे ऐसे लोग भी हैं जिनमें इंसानियत बाकी है, और ऐसे ज़्यादातर लोग मिलते हैं जो बदहवास हो गए हैं, जिनकी इंसानियत मर गई है। बस इतनी है कि हम सब लोगों को जो आज ज़िंदा हैं अपने अपने टाइम पे मरना है। अगर वो अपनी जिस्म की मौत से पहले अपनी इंसानियत को मरने दिया तो इस ज़मीन पर बस बदहवास जिस्म बचेंगे जो इस ज़मीन को दोजख बना देंगे। ओवर टू यू सर। जनता या जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरा कहना यह है कि जनता बहुत कमज़ोर होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है। कोर्ट है या पुलिस है, ये है, ये सब सरकारों के हाथ में होती है चीज़ें। तो जो मीडिया बना है वो जनता के लिए बना है। जिस वक्त हम सरकार के खिलाफ बोल रहे होते हैं तो समझिए हम आपके पक्ष में बोल रहे हैं। तो इसलिए अपनी मीडिया को फ्रीडम के लिए, उसके लिए लड़िए। अगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई भी चैनल है, चाहे वो आपकी तबीयत का है, आपकी तबीयत का नहीं है, लेकिन मीडिया का फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। और पहला पन्ना आगे भी फॉलो करिए। थैंक यू, शुक्रिया।